नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता, अध्याय 7। भूमिका। सर्वांगसम वस्तु का मतलब है कि यदि आपको दो वस्तुएं दी जाती है जिन्हें ऊपर नीचे रखने पर नीचे वाली आकृति पूरी तरह से छिप जाए। हमें इसकी आवश्यकता कई जगह पड़ती है, जैसे कि उद्योगों में और कारखानों में। हम दो आकृतियों की सर्वांग समता देखने के लिए एक का अक्ष, जिसे अंग्रेजी में ट्रेस कहते हैं, बनाकर दूसरे पर रख सकते हैं। जैसे कि दिए गए चित्र में हम एक चित्र का अक्ष बनाकर दूसरे चित्र पर रख देंगे, ताकि हम यह देख सके कि वे दोनों सर्वांगसम हैं कि नहीं। रेखाओं की सर्वांग समता। दो रेखाएं सर्वांगसम तब होती है जब इनका माप बराबर होता है। जैसे कि चित्र में दी गए रेखाओं को हम यह नहीं बता सकते कि यह सर्वांगसम है कि नहीं, पर यदि हमें इनका माप पता चल जाए तो हम बोल सकते हैं कि यह सर्वांगसम है। कोणों की सर्वांग समता। दो कोण सर्वांगसम तब होते हैं जब इनके माप बराबर हों। इनके रेखाओं के माप से कोणों की सर्वांग समता नहीं बदलती। जैसे कि इस चित्र में दोनों कोणों का माप 40 डिग्री है। अब भले ही इन रेखाओं का माप कितना भी हो, कोण सर्वांगसम ही है। त्रिभुज की सर्वांग समता। अब हम त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीन रेखाएं और तीन कोण होते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होते हैं जब वे एक दूसरे की प्रतिलिपि हो। हम अगर लिखें कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR, तो इसका मतलब है कि AB बराबर PQ, BC बराबर QR, AC बराबर PR, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q तथा कोण C बराबर कोण R। इसीलिए इसे सर्वांग समता कही जाती है, सभी अंग सम। पर हमें दो त्रिभुजों की सर्वांग समता प्रमाणित करने के लिए सभी भुजाओं या कोणों के माप की जरूरत नहीं है। आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। विषय जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, SSS प्रतिबंध, SAS प्रतिबंध, ASA प्रतिबंध तथा RHS प्रतिबंध। हम यह देख सकते हैं कि हमें सिर्फ तीन मापों की ही आवश्यकता है। हम तीन दिए गए मापों से एक अद्वितीय त्रिभुज बना सकते हैं। SSS प्रतिबंध। यह सबसे सरल नियम है। यह कहता है कि अगर दो त्रिभुजों की सभी भुजाएं बराबर हैं तो वो दोनों सर्वांगसम हैं। जैसे कि चित्र में AB बराबर RQ है, BC बराबर QP है तथा CA बराबर PR है, तो हम यह बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC बराबर है त्रिभुज RQP के। आप देख सकते हैं कि क्रम यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम यह देख सकते हैं कि AB बराबर RQ है, तो इसलिए हमने AB के स्थान पर RQ रखा है। इसी तरह QP और BC। SAS प्रतिबंध। यह कहता है कि अगर दो त्रिभुजों की कोई भी एक कोण और उसके दोनों भुजाओं के माप बराबर हों तो वे सर्वांगसम हैं। जैसे कि दिए गए चित्र में AB बराबर RQ है, BC बराबर QP है, और अगर हमें यह पता चल जाए कि कोण B बराबर कोण Q हो, तो हम यह बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज RQP के। अब हम बढ़ते हैं ASA प्रतिबंध की तरफ। यह कहता है कि अगर दो त्रिभुजों की कोई भी एक भुजा और उसके दोनों कोणों के माप बराबर हों तो वे सर्वांगसम हैं। जैसे कि दिए गए चित्र में BC और QP बराबर है और कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण P के,
तो हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी बराबर होगा त्रिभुज आर क्यू पी के। आप यह देख सकते हैं कि जो जो अक्षर भुजाओं में आ रहे हैं वही अक्षर कोणों में भी आ रहे हैं, तो ए एस ए में हमेशा सेम ही अक्षर आते हैं। ए एस ए प्रतिबंध में हमें एक विशेष चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि दिए गए चित्र में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है वह भी ए एस ए प्रतिबंध के द्वारा ही। हमें यह दिया गया है कि कोण ए बराबर है कोण आर के और ए सी बराबर है आर पी के, पर हमें यह नहीं दिया गया है कि कोण सी बराबर है कोण पी के। परंतु हमें यह पता है कि एक त्रिभुज के सभी कोणों के माप का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो हम कोण पी का मान निकाल सकते हैं 45 डिग्री जो कोण सी के बराबर है। इसीलिए यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो चलिए बढ़ते हैं आरएचएस प्रतिबंध की तरफ। यह केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है। यह कहता है कि दो समकोण त्रिभुज के कर्ण और आधार बराबर है तो वे सर्वांगसम है। जैसे कि दिए गए चित्र में AC बराबर है RQ के, PQ बराबर है BC के और हमें यह पता है कि कोण P तथा कोण B का मान है 90 डिग्री, तो RHS प्रतिबंध से त्रिभुज ABC बराबर होगा त्रिभुज RPQ के। आप यह देख सकते हैं कि क्रम यहाँ पर P और B का है और C और Q का है। RHS तथा SAS प्रतिबंध पर मैं एक विशेष टिप्पणी करना चाहूंगा। कर्ण की लंबाई का वर्ग होता है आधार की लंबाई का वर्ग धन लंब की लंबाई का वर्ग। इसीलिए RHS प्रतिबंध SAS प्रतिबंध का ही एक विशेष रूप है। सारांश, आज हमने त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में जाना। धन्यवाद।